नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड हेल्थ रिकॉर्ड्स फॉर वर्कर्स इसके बारे में बात करने वाला हूं जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं पी या ए में और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेक्टीम में एग्जामिनेशन में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन एंड हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन हेजाड़ियस प्रोसेस यानी कि जब भी हेजारियस प्रोसेस में जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉय काम करते हैं उसका एग्जामिनेशन और हेल्थ रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है और ये गवर्नमेंट फैक्ट्री रूल्स भी है तो फॉलोइंग प्रोविजन आर गिवन इन द फैक्ट्री एक्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग गुजरात फैक्ट्री रूल्स सिक्सटी एट टी के अंदर आपको इस टाइप का सभी रूल्स लागू होता है सब रूल नंबर वन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एजारियस प्रोसेस सेल मेडिकली एग्जामिन बाई ए क्वालिफाइड फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर इन द फॉलोइंग मैनर्स यानि कि आपको वर्कर या एम्प्लॉयड जो भी हजारियस प्रोसेस में काम कर रहे हैं उसको मेडिकली एग्जामिन करने के लिए क्वालिफाइड फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए ए वंस बिफोर एम्प्लॉयमेंट टू असरटेन द फिजिकल फिटनेस ऑफ द पर्सन टू केरी आउट द एसाइंड द जॉब यानी कि असाइंड करने से पहले असाइन जॉब आप करते हो इससे पहले आपको फिजिकली फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए वंस इन ए पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स टू एंश्योर द हेल्थ स्टेटस ऑफ ऑल वर्कर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हेजार्स टू विच दे आर एक्सपोज एंड ऑल्सो इन केस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द एफ एम ओ इट इज़ नेसेसरी टू डू सो एट शॉर्ट टर्म इंटरवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वर्कर्स यानी कि आपको छः महीने के अंदर एक बार जो उस हेजडियस प्रोसेस के अंदर काम कर रहा है वर्कर्स या एम्प्लॉयज उसका मेडिकली एफ के पास चेक करवाना चाहिए हेल्थ और अगर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है तो उसको शॉर्ट इंटरवल या अनफिट आता है तो शॉर्ट इंटरवल देना चाहिए द डिटेल ऑफ द प्री एम्प्लॉयमेंट एंड सब्सिक्वेंटली मेडिकल एग्जामिनेशन कैरिड आउट एज ए फोरसेड सेल बी रिकॉर्डेड इन ए रजिस्टर एज पर फॉम नंबर थर्टी टू आप जब भी कुछ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो प्री एम्प्लॉयमेंट में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन जब भी करते हैं तो उसका रिकॉर्ड्स रजिस्टर रखना चाहिए और वो रजिस्टर में एज पर फॉर्म नंबर थर्टी टू फॉर्मेट के हिसाब से रिकॉर्ड रखना चाहिए नंबर वन नो पर्सन सेल बी एम्प्लॉयड

फॉर बीइंग एम्प्लॉयड इन एनी प्रोसेस कवर्ड अंडर सब रूल वन एबो सच ए पर्जन सेल है राइट टू अपील टू द फैक्ट्री इंस्पेक्टर हु सेल्फ रिफर द मैटर टू द सर्टिफाइंग सर्जन हुज ओपिनियन सेल बी फाइनल इन द रिगार्ड्स तो आपको अगर अनफिट कोई पर्सन है एफ एम ओ के द्वारा अनफिट डिक्लेयर किया हुआ एम्प्लॉय जो है उसको आपको सब रूल्स यानी कि वन में मेंशन करना चाहिए और राइट टू अपील टू द फैक्ट्री इंस्पेक्टर और मैटर टू सर्टिफाइंग सर्जन हु इज ओपिनियन द सेल्फ बी फाइनल इन द रिगार्ड्स थर्ड नंबर इफ द इंस्पेक्टर इज ऑल्सो ए सर्टिफाइंग सर्जन देन द मे डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन हिम सेल्फ फोर्थ नंबर एनी फाइडिंग ऑफ द एफ एम ओ

रिपोर्ट करना चाहिए उसका जो भी सुपीरियर है एफ का उसको या तो योग्य जो भी अथॉरिटी है उसको बताना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए फिफ्थ नंबर द वर्कर रिक्वायर टू अंडर गो मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर द सेड रूल्स एंड फॉर एनी मेडिकल सर्वे कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेल नॉट रिफ्यूज टू अंडर सच एग्जामिनेशन थैंक यू दोस्तों